अब आपके सामने जो कला पेश होने जा रही है उसका नाम है जल दीपासन। इसमें जल और दीप का उपयोग हुआ है। इसे प्रस्तुत करने वाले सभी कलाकार प्रज्ञा चक्षु हैं, यानी उन्हें नजर नहीं आता। जल दीपासन की निर्देशिका हैं निशा ठक्कर जी, वे योगा टीचर हैं और 15 सालों से कई प्रज्ञा चक्षु कलाकारों को उन्होंने तैयार किया है। ये काम वे सेवा भाव से कर रही हैं। इसके लिए उन्हें अंध महिला पुरस्कार, जेडल नारी रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मुंबई और मुंबई के बाहर 100 से अधिक उनके कार्यक्रम हो चुके हैं। साल 2012 में ये कार्यक्रम आज के प्रधानमंत्री और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत करने का उन्हें मौका मिला था। फिलहाल मुंबई यूनिवर्सिटी से वे योग में PhD कर रही हैं और उनका विषय है एप्लीकेशन ऑफ योगा टू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस इन मुंबई। इन कलाकारों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अंधेरे में रहकर उजागर करेंगे ऐसे उजालों को, ऐसी फैलाएंगे रोशनी के रोशन कर देंगे आँख वालों को। निशा ठक्कर जी को हाल ही में पुरस्कार मिला है योग रत्न का। तो नेत्रहीन छात्रों के साथ ये अगली प्रस्तुति। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलच्छेत्रे गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि
गीताय ग्रंथ गेयाय ग्रंथांतरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गंधर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गंगाजल प्रणयवते प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गो सहस्त्राय गोवर्धनाय गोप गोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि आपने देखा कि किस तरह से इन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है जबकि ईश्वर ने इनके नेत्रों में प्रकाश नहीं दिया। इनकी एक और प्रस्तुति इसी कार्यक्रम में इसी मंच से आगे होगी। हमें पूरा विश्वास है कि आप उस प्रस्तुति की भी प्रतीक्षा करेंगे। निशा जी और इनकी टोली के लिए एक बार फिर से ताली बजाया जाए।